साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वास्तु से और आपके घर से जुड़ी हुई तीन ऐसी दिशाओं के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए मनी को अट्रैक्ट करने वाली होती हैं और जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। टूटी फूटी नॉलेज सबको होती है, लेकिन उनको व्यवस्थित किस तरह से कर ले, कैसे क्या करें तीनों दिशाओं में जो कि मनी घर में अट्रैक्ट होने लगे, मनी का फ्लो बढ़ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, मैं आज आपको बताऊंगी। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे पहली दिशा होती है हमारे घर में, वो होती है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। घर की दक्षिण पूर्व दिशा आपके लिए वेल्थ को लाती है। आप कितना पैसा जोड़ पाएंगे, आपके पास कितना रखा हुआ पैसा होगा, कितना कैश फ्लो होगा, ये दिशा निर्धारित करती है। अब आपके घर की वो दिशा कैसी है उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है। क्या क्या आपको इसमें सुधार करना है इस दिशा में, सबसे पहले तो जान लीजिए साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व जो दिशा होती है वहां का एलिमेंट जो है वुड है। सबसे पहले तो वहां से क्लटर हटा दें। अगर आपने उस दिशा को बंद कर रखा है किसी भी चीजों से, कोई भी लोहे की चीजों वहां पे रखी हुई है, लोहे की चीजें अगर भारी भरकम वहां रखी है, तो समझ लीजिए आपको फाइनेंशियल लॉस होता रहेगा। लॉजिक समझ लीजिए, वहां का एलिमेंट है वुड यानी लकड़ी। अब लकड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, मेटल। यानी अगर आपने लोहे का कोई भी कबाड़ा सामान, पुरानी पुरानी अलमारियां और भी कुछ भी कील कबड़ चाकू ये सब चीजें रखी हुई हैं, तो तुरंत हटा दीजिए, वो आपकी फाइनेंशियल लॉस आपको कराते रहेंगे। तो दक्षिण पूर्व को बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वुड एलिमेंट को वहां पर बढ़ाना है, यानी पौधों को रखना है वहां पर। तो अब कैसे पौधा रखें, सबसे पहले तो अपने लिविंग रूम से शुरू करें। लिविंग घर के सेंटर में खड़े होकर दक्षिण पूर्व निकालें और लिविंग रूम में पौधा रखने का नियम बना लें, रख ही दें, बल्कि वहां पे पौधा सूख जाए कोई बात नहीं, इंडोर पौधा रखिए, फिर से बदल दें, मतलब हमेशा वहां पे हरा पौधा रहे। मगर केवल यहीं तक नहीं, आपको अपने पूरे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को, हर कमरे के साउथ ईस्ट कॉर्नर को आपको बूस्ट करना चाहिए। जिस रूम में आप सोते हैं उसमें सिंबॉलिकल भी रख सकते हैं, अगर ग्रीन प्लांट नहीं रख पा रहे सिंबॉलिकल वहां पे ग्रीन प्लांट का फोटो लगा लें। हर जगह हर कॉर्नर में आपको साउथ ईस्ट को बूस्ट अपना करना होगा। अगर वेल्थ को अट्रैक्ट करना है तो पूरे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए छोटे बड़े हरे पौधे, या फिर तस्वीरें लगाते जाइए जहां पौधे आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो इससे आपके घर में मनी अट्रैक्शन शुरू होगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है, एक बाउल में रखिए वो सामान जो मनी को अट्रैक्ट करता है। अब क्या क्या सामान अट्रैक्ट करता है, आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं, आप कॉइन्स रख सकते हैं, आप एक्चुअल रुपीस कुछ रख सकते हैं, आप चाहें तो मसालों में भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप सिनेमन स्टिक रख सकते हैं, आप तेज पत्ता रख सकते हैं, आप जिंजर रख सकते हैं, सूखा हुआ अदरक रख सकते हैं जिसको हम सौंठ बोलते हैं, सूखा हुआ अदरक भी आप रख सकते हैं, हरा अदरक भी मैंने आपको बताया है कि आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मनी को अट्रैक्ट करने वाली होती हैं। तो इन सारी चीजों को एक बाउल में भरकर सजाकर सिंबॉलिक ज्वेलरी भी रख सकते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको रख देना है। लिविंग रूम का साउथ ईस्ट कॉर्नर तो आपको जरूर सबसे अच्छा बनाना है, क्योंकि वहां पर आप सबसे ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा भी पूरे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में छोटी छोटी चीजें जरूर रख दें, कहीं पे क्रिस्टल रख दें, कहीं पे मनी सिंबल्स भी आप लगा सकते हैं। अगर जीबू सिंबल्स रखते हैं तो अनलिमिटेड अबंडेंस का सिंबल लगाइए, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल लगाइए, पूरे घर में सिंबल्स लगाइए, क्रिस्टल्स रखिए, भर दीजिए अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर को इन सब चीजों से, सारी लोहे की चीजें हटा दीजिए। तो ये हो गया आपका पहला कॉर्नर। दूसरा कॉर्नर जो आपका आपके लिए वेल्थ को अट्रैक्ट करता है वो होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। घर की उत्तर दिशा होती है करियर की दिशा। तो भाई करियर चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, पैसा तो वहीं से आना है, पैसा पेड़ पे तो उगेगा नहीं। जब आप मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा, जब आप करियर में पूरे एफर्ट्स लगाएंगे तभी पैसा आएगा, केवल इन चीजों को रखने से कुछ नहीं होगा। तो करियर की दिशा को भी आपको मजबूत करना है। कैसे मजबूत करेंगे आप, दो खास चीजों से। पहला, वहां पर फ्लोइंग वाटर रखिए, यानी बहता हुआ पानी आपको रखना है। तो बहता हुआ पानी, नॉर्थ में पानी क्या होता है,
प्रॉस्पेरिटी, तो वहां पर फ्लोइंग वाटर मतलब हमेशा बढ़ती रहे, तो आपने फ्लोइंग वाटर वहां पर रखना है, बहता हुआ पानी का छोटा फाउंटेन। और कुछ भी ना कर पाए तो तस्वीर लगा लें, कोई पेंटिंग लगा लें, या कुछ भी ऐसा जो फ्लोइंग वाटर हो, झरना हो, पानी लगातार बह रहा हो, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। दूसरी खास चीज जो आप करेंगे वो है ब्लैक कलर की चीजें वहां पर लगा दीजिए। ब्लू और ब्लैक कलर जो होता है वो पानी को रिजेंबल करता है, पानी को दिखाता है, तो आप उसको बूस्ट करने के लिए ब्लैक कलर की डेकोरेशन वहां पे कर सकते हैं। ब्लैक कलर का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करते हैं, भरना नहीं है आपको ब्लैक कलर, थोड़ी सी वॉच लगा दो ब्लैक कलर में, कोई ऐसी कुछ पेंटिंग लगा सकते हो, कुछ वहां पर सजावटी कोई चीज रख सकते हो, फ्लावर पॉट रख सकते हो, कुछ भी रख दे आपको ब्लैक या ब्लू कलर में वहां पर इस्तेमाल करना है। तो ये आपने अपनी साउथ ईस्ट के साथ में नॉर्थ को भी संभाल लिया, यानी पैसा सुरक्षित है, कैरियर से पैसा आएगा, साउथ ईस्ट में पैसा सुरक्षित रहेगा। तीसरी जो दिशा होती है आपके कैरियर, आपके धन को जो इफेक्टेड करने वाली, वो होती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्यों होती है? क्योंकि उत्तर पश्चिम हमारे घर की वो दिशा होती है जो आपको उन लोगों से मिलवाती है जो आपके मददगार हो सकते हैं, यानी हेल्पफुल पीपल की डायरेक्शन होती है, मददगार लोगों की डायरेक्शन है, तो आपको कैरियर में, प्रॉस्पेरिटी में मदद देने वाले लोग मिलने लगे। बहुत लोग होते हैं जिनको ऑफिस में स्टाफ सपोर्ट नहीं करता, मुझे कॉल करके बोलते हैं मैडम क्या करना है उसके लिए, स्टाफ सपोर्ट नहीं करता, तो आपको लोग सपोर्ट करने लगे, लोग मददगार मिलने लगे, उसके लिए आपको नॉर्थ वेस्ट को बूस्ट करना है। तो नॉर्थ वेस्ट को बूस्ट करने का, उत्तर पश्चिम को बूस्ट करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो है सिक्स रॉड की मेटल की विंड चाइम आपको वहां पर लगानी है। सिक्स रॉड मेटल, क्योंकि वहां का जो एलिमेंट है वो मेटल होता है, तो आपको छह रॉड की मेटल की आपको विंड चाइम लगा देनी है। विंड चाइम जब लगाएं तो याद रखें कि वहां पर मेटल ही लगाना है, वुड आपको नहीं इस्तेमाल करना है। एक खास चीज और, जब भी हम घर को वास्तु फेंगशुई के अनुसार जब सजा रहे होते हैं तो खास जो चीज होती है वो होता है हमारा इंटेंशन। आपको ये नहीं सोचना है कि केवल विंड चाइम आपके लिए क्या करेगा, एक्चुअली विंड चाइम आपके लिए इसलिए काम करेगा क्योंकि आपका इंटेंशन उससे जुड़ गया है, आपका इंटेंशन जुड़ा है, आपका ब्रेन उसके लिए प्रोग्राम है कि मैंने ये चीज इस डायरेक्शन में की है, इससे मेरी कंडीशन अच्छी हो रही है, तो डेफिनेटली अच्छी होने लगेगी। तो आपको नॉर्थ वेस्ट में विंड चाइम लगा देना है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका कंस्ट्रक्शन हो रखा है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, तो सबसे आसान मान लो सीढ़ी है या टॉयलेट है, आप कुछ नहीं कर पा रहे वहां पर, तो आपको क्या करना है, एक वहां पर बल्ब लगा दीजिए, आप येलो कलर का एक बल्ब लगा दें और रात भर उसको जलने दें, कम से कम 8 घंटे उसको जलाएं, बेहतर होगा रात को जला हुआ छोड़ दें, सुबह उसको बंद करें। तो आपने अपनी तीनों दिशाओं को बैलेंस कर लिया। अगर ये तीनों दिशाओं को आप बैलेंस कर लेंगे और तीनों दिशाओं को जो मैंने बताई है उन चीजों से सजा लेंगे, तो डेफिनेटली मनी आपको अट्रैक्ट होने लगेगा और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा और छोटी छोटी चीजें आप क्या कर सकते हैं, अपना फर्नीचर हमेशा ऐसी पोजीशन में रखें जो कमांडिंग पोजीशन हो, यानी डोर वहां से दिखता रहे, छोटी सी चीज है। टॉयलेट वॉशरूम हमेशा डोर क्लोज रखें, हमेशा दरवाजा बंद रखें, कभी भी रूम की तरफ दरवाजा ना खुले, क्योंकि ये निगेटिव ची को फेंकने वाली डायरेक्शंस होती हैं। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं तीनों दिशाओं वाली, इन सारी चीजों को आपको अपनी जो आपकी ऑफिस की टेबल है जिसपे आप काम करते हैं उस पर भी एक्टिवेट करना है, यानी साउथ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को। तो नॉर्थ वेस्ट को आप वहां पर विंड चाइम तो नहीं लगा सकते, पर मेटल का कुछ रख लें, ब्लू जो नॉर्थ है वहां पे ब्लू कलर का कुछ आप रख लें, और साउथ ईस्ट है वहां पे छोटा सा पौधा रख लें। तो अपनी जो ऑफिस का काम वाली टेबल है उसको भी इन एलिमेंट्स से जरूर आप बूस्ट कर लें। जब आप बूस्ट करेंगे तो हर सूरत में मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरह से सजाइए अपने घर को और देखिए किस तरह से अपनी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने की चीजें आप खुद ही कर सकते हैं, किसी से भी पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर अपने आप बैलेंस रहेगा और हर तरफ से सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। मैं शालिनी वर्मा अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, कुछ और टॉपिक पे मुझसे वीडियोस चाहें तो मुझे जरूर अगले कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर बनाऊंगी।